हेलो स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी एग्रीकल्चर लैब में। आज हम 11th क्लास में डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स हैं उनके सीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बहुत इजी है अपना प्रैक्टिकल, तो शुरू करते हैं। यस, तो हम देखते हैं पहले सीरियल क्रॉप्स को। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका नेम, बॉटेनिकल नेम और इसकी फैमिली, और यहाँ पे वर्निकुलर नेम या कॉमन नेम, और फिर मॉर्फोलॉजी। तो वीट का बॉटेनिकल नेम देखते हैं, तो ट्राइटिकम एस्टिमम इसका बॉटेनिकल नेम हो जाएगा। और फिर आगे है रहा है अपना फैमिली, फैमिली के अंदर पॉइसी या ग्रैमनी इसकी फैमिली हो जाती है। और वर्नेकुलर नेम में इसको बोलेंगे हम गेहूं। देख पा रहे हैं आप अच्छे से इसकी बालियां दिख रही हैं। और मॉर्फोलॉजी के अंदर ये वन सीडेड है, और ये इसका जो दाने होते हैं वो एडिबल होते हैं, यानी ये क्राइप्सिस है। अगला आ जाता है अपना राइस, और बॉटनिकल नेम हो जाएगा इसका ओराइजा सेटाइवा, और ये भी जो है पॉइसी फैमिली का ही मेंबर है। और देख पा रहे हैं इसकी स्टेजेस। और वर्नेकुलर नेम हो जाएगा इसका चावल या धान। और मॉर्फोलॉजी, ये भी इसका दाना हम यूज़ में लेते हैं, वन सीडेड, यानी ये भी क्या है, क्राइप्सिस है। और ये अपनी अगली क्रॉप आ रही है मेज या कॉर्न, तो बॉटनिकल नेम हो जाएगा इसका जिया मेज। और फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली इसकी पॉइसी या ग्रैनी, एक ही बात है। और इसका कॉमन नेम मक्का, भुट्टा या मक्का ही होता है। और मॉर्फोलॉजी सेम ही है कि ये भी वन सीडेड है, और इसके दाने देख पा रहे हैं आप मोनोकॉट हैं, और ये क्या है, क्राइप्सिस भी कहलाता है। तो अगली क्रॉप आ रही है बारले, बारले का बॉटनिकल नेम हो जाता है हॉरिडियम वल्गेर, फैमिली इसकी पॉइसी, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम के अंदर इसको जो बोलते हैं, गेहूं की तरह इसकी बालियां होती है, और ये भी क्या है, वन सीडेड, यानी ये भी क्राइप्सिस है। और इसकी बालियां जो होती है थोड़ी सी अलग होती है, उसमें हेयर निकले होते हैं लंबे लंबे गेहूं के कंपैरिजन में। और अगली क्रॉप से अपनी ओट्स, तो ये भी गेहूं की तरह होता है, थोड़ा पतला। और बॉटनिकल नेम हो रहा है इसका अवेना सेटाइवा, और फैमिली इसकी पॉइसी है, और कॉमन नेम तो पता ही हमें क्या होता है इसका, जाई, गेहूं की जो अपन क्रॉप्स बोते हैं उसमें बीच बीच में ये उग जाता है, थोड़ा अलग ही दिखता है। और मॉर्फोलॉजी ये भी क्या है, वन सीडेड है, और इसके दाने हम क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं, और यानी कि ये क्राइप्सिस है। यस, अगली क्रॉप आ रही है अपनी राई, तो बॉटनिकल नेम हो जाता है इसका सिकल सीरियल, और फैमिली इसकी पॉइसी है, और वर्नेकुलर नेम भी इसका राई है, और ये भी क्या है, इसके ग्रेन जो है यूज़ में लेते हैं अपन, ये भी जौ की तरह होता है, और इसको विस्की वगैरह बनाने में यूज़ में लिया जाता है। और अगला आ रहा है अपना पर्लमिलेट्स, तो इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है पेनिसिटम टाइफाइड्स, और फैमिली इसकी हो जाती है पॉइसी, और वर्नेकुलर नेम इसका बाजरा है ना, सिंपल गोल गोल छोटे छोटे। और ये क्या होता है, इसके दाने यूज़ में लेते हैं, इसके सीड देख पा रहे हैं छोटे छोटे। अगला आ रहा है अपना जवार या जुआर, बॉटनिकल नेम हो जाता है इसका सोरगम वल्गेर, और फैमिली हो जाती है इसकी पॉइसी, और कॉमन नेम इसका हो जाता है जवार या जुआर, और ये भी क्या है, इसके दाने हम यूज़ में लेते हैं, और ये वन सीडेड है, मोनोकॉट है। और अगली जो अपनी क्रॉप है, अगली क्रॉप्स देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ पल्सेस यानी दालें। तो पहला आ रही है अपना पीजन पी या कॉन्गो पी, तो बॉटनिकल नेम हो जाता है इसका कजानस कजान, और फैमिली हो जाएगी इसकी फैबेसी, और इसको हम कॉमन नेम बोलते हैं अरहर, ये तुअर की दाल भी बोलते हैं। और ये क्या है, इसके सीड्स हम यूज़ में लेते हैं, ये डाइकोट है, जितनी भी दालें अपनी डाइकोट ही होती हैं। और अगली आ रही है अपनी चिक पी, तो बॉटनिकल नेम हो जाता है इसका साइसर एरेटिनम, और फैमिली हो जाती है इसकी फैबेसी, और इसको हम चना या छोला बोलते हैं, और इसके हम क्या करते हैं, दाने जो है यूज़ में लेते हैं, और देख पा रहे हैं होले भी बोलते हैं इसको,
जो कच्चे दाने डालियाँ होती है। अगला आ रहा है अपना सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा और कॉमन नेम हो जाता है इसका सोयाबीन ही रहता है। और ये क्या होता है मॉर्फोलॉजी, इसके पॉट्स के अंदर तीन चार दाने होते हैं, यह देख पा रहे हैं आप इसकी फलियाँ इस तरह से, तो इसकी बेल नहीं होकर इसका पौधा होता है उस पर फलियाँ लगती है। अगला आ रहा है अपना गार्डन पी, तो पाइसम सेटाइवम जिस पे मेंडल ने अपना प्रैक्टिकल किया था और हेरिडिटी के रूल बनाए थे, फैमिली इसकी हो जाती है फैबेसी और कॉमन नेम हो जाता है इसका मटर। और इसके जो सीड्स हैं एडिबल होते हैं और इसकी पॉड यानी फलियाँ लगती हैं देख पा रहे हैं आप, और इसके अंदर ये दाने भी अच्छे से लगते हैं। उसके बाद आता है अपना ग्रीन ग्राम या गोल्डन ग्राम, तो बोटेनिकल नेम हो जाता है इसका फैमिली फैबेसी और कॉमन नेम इसका मूंग। और दाने क्या होते हैं हम यूज़ में लेते हैं, इसकी फलियां लगती है और देख पा रहे हैं इसकी बेलें इस तरह से नीचे। फिर अगली अपने पास आ रही है दाल ब्लैक ग्राम, तो बोटेनिकल नेम हो जाता है इसका विग्ना मुंगा और फैबेसी फैमिली है और इसको हम उड़द की दाल या मांस की दाल बोलते हैं। और ये क्या है इसके जो है सीड क्या है एडिबल होते हैं, इसकी फलियां लगती है। उसके बाद आता है अपना लेंटिल और बोटेनिकल नेम हो जाता है इसका लेंस कुलिनेरिस और फैमिली हो जाती है इसकी फैबेसी और वर्नेकुलर नेम मसूर, मसूर की दाल। और इसको हम दाल ही जो है इसके सीड्स है वो एडिबल होते हैं। और फिर अगला जाता है अपना फ्रेंच बीन या किडनी बीन और इसका बोटेनिकल नेम हो जाता है फेस्युलस वल्गेरिस और फैबेसी इसकी फैमिली हो जाएगी, इसका कॉमन नेम राजमा। और ये भी क्या है इसके जो सीड्स हैं एडिबल होते हैं। अगला आ रहा है अपना काउपी या ब्लैक आइड पी, तो बोटेनिकल नेम हो जाएगा इसका विग्ना अनक्यूलेटा फैबेसी इसकी फैमिली हो जाएगी और वर्नेकुलर नेम इसका लोबिया या फिर अपन इसको बोलते हैं चौला फली। और इसकी फलियां के अंदर सीड्स होते हैं, लंबी लंबी इसकी फलियां होती हैं है ना। और अगली पल्स आ रही है अपने हॉर्स ग्राम, तो बोटेनिकल नेम हो जाएगा इसका मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम और फैमिली इसकी फैबेसी और इसका वर्नेकुलर नेम कुल्थी दाल। और इसके सीड्स क्या होते हैं यूज़ में लेते हैं, तो बस। तो बड़े आराम से हमने सीड्स को आइडेंटिफाई किया, आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।